ये तो सोशल मीडिया पर लगातार फैल रहा है कि एलविश यादव ने बिग बॉस के घर में मनीषा के साथ किस तरह से बदसलूकी की, यानी कि उनके ऊपर चीप कमेंट्स किए। और तो और यहाँ पर सिर्फ मनीषा ही वो लड़की नहीं है, दुनिया की और भी कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन पर कई चीप कमेंट्स पहले के वक्त में कर चुके हैं एलविश यादव। तो उन्हीं में से एक आशिका भाटिया भी थी। आशिका भाटिया पर तो उन्होंने बिग बॉस के शो में भी बहुत कुछ कहा, जिसकी वजह से आशिका की मां ने एलविश को खूब सुनाया था। आशिका जब टिकटॉक के जरिए बहुत ज्यादा फेमस होने लगी थी तो उस वक्त उनके कपड़े, उनके वेट और उनके रिलेशनशिप्स, इस पर बहुत गंदे गंदे कमेंट कर चुके हैं एलविश, जिसकी वजह से एलविश और आशिका की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और ये तक सामने आया था कि आशिका ने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी है एलविश के अगेंस्ट। लेकिन बिग बॉस के घर में जब एंट्री हुई इन दोनों की, तो यहाँ दोनों के बीच जो वो राइवलरी थी क्लियरली नजर आ रही थी। लेकिन आशिका अपने मन में कोई ग्रजेस रखना पसंद नहीं करती। उनका ये सोचना था कि पहली बार फेस टू फेस आ रही है, अब जो होगा दोनों की लड़ाई झगड़े के बीच में तो देखा जाएगा, दोस्ती हो तो देखा जाएगा। और दोनों की दोस्ती ही बहुत अच्छी हो गई, जिस वजह से आज अपने एक कूल ब्रो की तरह देखते हैं दोनों एक दूसरे को, यानी कि दोनों बर्डीज बन चुके हैं। लेकिन जो चीप कमेंट्स एक दूसरे को लेकर किए हैं, चाहे वो बाकी महिलाएं हो, चाहे मनीषा पर हो, चाहे आशिका पर हो, वो भले ही आशिका भुला दे चाहे मनीषा भुला दे, लेकिन इनके फैंस तो नहीं भुला सकते हैं। और आप क्या भुला पाएंगे इन चीजों को, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा।